बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 1 द सेल। आज हम स्टार्ट करेंगे। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही जो है वो लाइफ का जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ है वो ये सेल ही कंट्रोल करता है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल जो हैं वो मिल के क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर जानदार बनाते हैं। मल्टी सेलुलर मीन एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड साइटोलॉजी। के माइक्रोस्कोप की मदद से सेल को स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। नाउ इमरजेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। अब सेल जो है वो उसके बारे में कुछ साइंटिस्ट ने अपने व्यूज़ दिए हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक है, ही रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ सेल इन हिज फेमस पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया। इसने जो है वो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की जो डिस्कवरी की माइक्रोग्राफिया में। ही ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड फाउंड स्मॉल चैम्बर्स इन दैम। उसने क्या ऑब्जर्व किया, थिन स्लाइसिस पतले पतले टुकड़े बारीक से ऑफ कॉर्क छाल के, दरख्त के ऊपर जो छाल खुश्क होती है उसके, एंड फाउंड सम स्मॉल चैम्बर्स इन दैम और उसके अंदर से कुछ खाने डिब्बे नजर आए। अकॉर्डिंग टू हिम सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाई थिक वॉल्स। उसने क्या कहा कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेस है जिसके गिर्द थिक वॉल्स मोटी मोटी दीवारें पाई जाती हैं। द चैम्बर्स वर जस्ट लाइक हनी कॉम, जिस तरह शहद की मक्खियों का छत्ता होता है सेम ये वैसे ही दिखने में नजर आए। लाइक कंपार्टमेंट्स, और ये जो खाने थे, ऑल वर्क वॉज डन बाय रॉबर्ट हुक्स सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये तमाम काम जो है उसने अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किया। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट इज लॉरेंस होकन, जर्मन साइंटिस्ट है ये। सजेस्टेड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइज फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स और सेल। इसने क्या कहा है कि तमाम जानदार जो हैं वो कहाँ से बने हैं जी, वेसिकल्स खाली जिस तरह नालियाँ होती हैं और सेल से। लेमार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क एक्सप्रेस सिमिलर आइडिया एंड सजेस्टेड दैट नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज और आर नॉट फॉर्म बाय सेलुलर टिश्यूज। इस साइंटिस्ट का व्यू था कि कोई भी जानदार जो है उसके उसमें लाइफ उस वक्त जो है ना वो नहीं हो सकती जब तक उसके सेल या फिर टिश्यूज जो है वो मतलब उसकी बॉडी जो है वो सेल या सेल के पार्ट से मिलकर ना बनी हुई हो। नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन है, ही डिस्कवर्ड अ स्फेरिकल बॉडी। उसने एक बेलवी शक्ल इख्तियार की जहाँ न्यूक्लियस इन द सेल, सेल के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। नाउ ड्यू टू दिस डिस्कवरी हुक्स आइडिया अबाउट द सेल एज एन एम्प्टी वॉज चेंज। पहले हुक ने कहा था कि सेल जो है वो अंदर से खाली होता है, लेकिन बाद में न्यूक्लियस भी नजर आया तो ये क्या कि सेल जो है वो अंदर से खाली नहीं होता। इट वॉज देन सजेस्टेड दैट सेल इज नॉट एम्प्टी स्पेस। अब ये तजवीज़ पेश की गई कि सेल खाली नहीं होता। मैथिस चिलीडन आ बोटेनिस्ट थ्योराइज दैट ऑल प्लांट्स वर मेड अप ऑफ सेल्स बाय स्टडिंग प्लांट्स। एक बोटेनिस्ट ने क्या कहा है कि तमाम जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो सेल से मिलके बने हैं। थियोडर श्वान ने, आ जर्मन जोलॉजिस्ट श्वान, स्टडीड न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर भी इसको न्यूक्लियस नजर आया। ही ऑब्जर्व न्यूक्लियाई बट फेल टू सी सेल वॉल। उसने न्यूक्लियाई तो देखे लेकिन सेल वॉल उसके अंदर नहीं नजर आई। श्वान स्टडीड द कॉन्टेंट ऑफ द सेल एंड डिस्क्राइब दैट अ सेल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। अब श्वान ने क्या स्टडी किया सेल को, और सेल के अंदर न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड एंड अ मेम्ब्रेन और अ वॉल, जो कि जिसके गिर्द वॉल मौजूद होती है और उसमें फ्लूइड पाया जाता है। सेल वॉल इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की खसूसियत है कि उसके गिर्द सेल वॉल मौजूद होती है। श्लीडन एंड श्वान फाउंड द सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कॉम्पोनेंट्स नेम्ड, कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर ये दरमियान में पाया जाता है, जबकि प्लांट में ये एक साइड पे पाया जाता है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड पोर्शन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाज्म, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन द थिन कवरिंग ऑफ द सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।